आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल का आगरा आगमन पर होटल अतिथि वन में आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे एवं सभी व्यापारी सदस्यों ने माला और बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी ने आगरा व्यापार मंडल के व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर आगरा की जिम्मेदारी और पदभार सौंपा। व्यापार मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने सभी व्यापारी भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरह व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अतिक्रमण के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। व्यापारी संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया कि योगी सरकार ने एक आदेश और दिया था कि कोरोना काल में हुए व्यापारियों पर मुकदमे वापस लिए जाएं। इस आदेश का पालन क्यों अधिकारियों ने नहीं किया? क्यों अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है? क्या व्यापार करना गुनाह है? मेरे को एक मीटिंग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगी अग्रवाल जी, जिनका हमने सम्मान किया, और मैं इस पद की मर्यादा मान सम्मान निष्ठा रखते हुए व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूँ। पद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, व्यापारी के लिए आधी रात तैयार हूँ। जहाँ व्यापारियों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ मैं आधी रात खड़ा हूँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे प्रशासन से भिड़ने का कार्य हो, मैं व्यापारियों के लिए प्रशासन से भी भिड़ूँगा। धन्यवाद। भूषण रावत, आज व्यापार मंडल का प्रदेश का प्रांतीय संसद मंत्री भी बनाया गया है। मैं व्यापारियों के लिए हर समय संघर्ष करूंगा। इससे पहले भी मैं आगरा NHI एसोसिएशन आगरा में जो नेशनल हाईवे तोड़ा गया था, उसमें दुकानदारों की करीब 40 दुकानों को यानी ध्वस्त कर दिया गया था प्रशासन ने, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। और उन संघर्ष की वजह से और प्रेस मीडिया और सबके साथी सहयोग की वजह से मैंने 40 दुकानदारों को पुनः स्थापित करा दिया और वहाँ अपनी दुकानों पर बैठे हुए। आज जब से प्रदेश में सरकार आई है भाजपा की और केंद्र में, ये भाजपा कहते थे कि हम यानी व्यापारियों के साथ हैं, पर व्यापारियों के साथ नहीं है, व्यापारियों के घोर विरोधी हैं। जब से सरकार आई, जब से उन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न शुरू किया है, पहले नोटबंदी के नाम पर उन्होंने, उसके बाद GST के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, आज उत्तर प्रदेश में पूरे में अतिक्रमण के नाम पर हाहाकार मचा रखा है। और उन्होंने तो यानी लोगों को, दुकानदारों को बेरोजगार कर रहे हैं। चुन्नीलाल गुप्ता है। पहले मैं 65 साल से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में पदाधिकारी था। कोई कारण बस मजबूरन होकर मुझको व्यापार मंडल छोड़ना पड़ा है। और मैं, भाई साहब मेरे साथ में महामंत्री थे, और मैंने अब इनके व्यापार मंडल की शपथ ग्रहण करी है। और जो भी व्यापारियों के लिए बनेगा वो मैं करूँगा। आई समझो, जितना मेरे पे होगा मैं उतना करूँगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, अतिक्रमण के नाम पर जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उसके मामले में हम पहले यही कहना चाहेंगे कि पहले जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश करे थे, जो व्यापारियों पे मुकदमे लगे थे कोरोना काल में, वो मुकदमे पहले वापस लिए जाएं, उसके बाद में अतिक्रमण कराने हटाने की सोचें। क्योंकि अतिक्रमण से छोटे व्यापारी जो काम कर रहे हैं उन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये बेचारे कमा पाते हैं, उनको उसके नाम पर परेशान करा जा रहा है। अगर ऐसी कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई भी करता है, तो हम व्यापारियों के साथ में खड़े होंगे और उनका साथ देंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि व्यापारी हमारे भाई हैं और व्यापारियों की सरकार कहलाती है, उसके बाद भी व्यापारियों को लगातार शोषण हो रहा है, व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसे में आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे हमारी रणनीति, प्रदेश अध्यक्ष जी हमें जो आदेश करेंगे, उसके उनके आदेश पर हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और व्यापारियों को हम सपोर्ट करेंगे पूरा। आज आगरा इकाई के विस्तार के लिए मैं आगरा आया हुआ हूँ। व्यापारी समस्या और संगठन की विस्तार, ये दो मेरे मुख्य बिंदु हैं। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी GST, फूड एक्ट, लेबर ऑफिस, मापतोल विभाग, कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार व्यापारियों का ध्यान बटाने के लिए
अतिक्रमण, जैसे बिना वजह के कार्य कर रही है, जिससे व्यापारी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष न रखकर अतिक्रमण जैसे कामों में इलझ जाए। फूड एक्ट, लेबर ऑफिस, मापतोल विभाग, जीएसटी एक ऐसे काले कानून है जिनसे आज पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का व्यापारी त्रस्त है। शॉपिंग मॉल ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे 365 दिन खुले हुए हैं। मेरा व्यापारी अगर 52 दिन सार्वजनिक अवकाश में दुकान बंद नहीं रखेगा तो उस व्यापारी पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जब किया गया है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि एक देश एक कानून की व्यवस्था लागू करेंगे, जब एक देश एक कानून की व्यवस्था सब जगह लागू है तो व्यापारियों के लिए दो तरह के कानून क्यों? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश बताकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी आदेश करा था कि लॉकडाउन के व्यापारियों के मुकदमे वापस, उसे अधिकारियों ने नहीं सुना। अगर व्यापारियों के मतलब की बात है तो अधिकारी नहीं सुनेंगे, अगर व्यापारियों के खिलाफ की बात है तो अधिकारी तुरंत चुनकर कार्रवाई शुरू करेंगे। सरकारी अतिक्रमण जब तक सड़कों पर से नहीं हटाया जाएगा, जब तक अतिक्रमण की व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। पुलिस चौकी, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, आरआईसी, सैकड़ों चीज़ें हैं जो सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात में बाधा बनी हुई है। उस अतिक्रमण को जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक व्यापारी जो 100-200-500 रुपए कमाकर अपने बच्चों को पालने का काम करता है, लाठी मारकर उसकी दुकान तोड़ने का काम ये प्रशासन कर रहा है, ये व्यापारियों की सरकार कही जाती है? इस तरह का अत्याचार और अन्याय व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मेरे साथ बनवाई लाल कंचल जी के संगठन को छोड़कर हमारे परम पूजनीय, आदरणीय, हमारे सबके सम्मानित, हमारे संरक्षक चुन्नी लाल जी अपनी टीम के साथ हमारे व्यापार मंडल में शामिल हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सरकारी अतिक्रमण रोड एवं चौराहे पर हो रहा है, वह क्यों नहीं दिखाई देता? जो पुलिस चौकी, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे आदि रोडों पर अतिक्रमण किए हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं हटाते? सरकार की यही नीति रही तो सभी व्यापारी बड़ा आंदोलन करने के प्रति बाध्य होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से वर्षा चावला की रिपोर्ट।